नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठंडी का समय चल रहा है और आने वाले समय में बहुत सी परीक्षाएं आ रही हैं, इसलिए आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और इस टाइम जो लड़के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा सावधानी रखें, थोड़ा सा लेट जाएं तैयारी करने के लिए और अधिक से अधिक अपना समय पढ़ाई पर बिताएं। और जो भी समस्या हो आप लोग कमेंट जरूर करिए। आज के करंट अफेयर्स में हमें आप लोग सामने जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में किस राज्य में 2 साल के बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? धनु यात्रा जो आयोजन किया गया है, इसके ऑप्शन है उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम और गोवा। धनु यात्रा के बता दें कि उड़ीसा में आयोजित होने वाले मशहूर धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा के बरगढ़ कस्बे में शुरू हो चुका है और यह 6 जनवरी 2023 तक चलेगी। बुराई के खिलाफ अच्छाई के जीत के रूप में धनु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यानी कि जो भी त्यौहार मनाया जाता है, जैसे दशहरा होता है, बुराई के खिलाफ अच्छाई की विजय, इसी तरह धनु यात्रा का भी संबंध बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत से ही है। वर्ष 2014 में केंद्रीय सांस्कृतिक विभाग की 11 दिवसीय धनु यात्रा को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दी जा चुकी है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसे हाल ही में सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिन्हें इनकी पुस्तक कमायनी के लिए नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसके ऑप्शन है महिमा स्वामी, अश्विनी बासवे, एस के राय और इलिश मेकिनी को। तो सही उत्तर में बता दूं आपको, सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के राय को कला साहित्य सामाजिक, कला साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार और सामाजिक जागरूकता के लिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि यहां पर हमारा जो राय है इसका सही उत्तर होगा एस के राय। ये हमारा सही उत्तर है, एस के राय को रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि मोदी जी के परम मित्र भी माने जाते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी कि जिस देश के खिलाफ ढेर सारे यूरोपीय देश हैं और ढेर सारे अरबियन देश हैं, वह भारत की मित्र श्रेणी में एक अच्छा माना जाता है। तो उसका सही उत्तर है इसराइल। इसराइल, बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार इसराइल के प्रधानमंत्री की शपथ ली। आप देख सकते हैं छठी बार प्रधानमंत्री बनना कि अपने आप में उस व्यक्ति की जो गरिमा है राष्ट्र में प्रति उसका समर्पण है और राष्ट्र में लोगों का उसके प्रति जो लगाव है, इस बात को दर्शाता है। इसराइल के 37वीं सरकार की गठन के लिए विश्व मत से ठीक पहले लिक्विड पार्टी के सांसद अमीर ओहाना को संसद का नया स्पीकर चुना गया है। यानी कि अमीर ओहाना को इसराइल की संसद का नया स्पीकर चुना गया है। नेताओं ने शपथ ग्रहण से पहले कहा था उनकी सरकार के 3 राष्ट्रीय लक्ष्य, ईरान को परमाणु संपन्न होने से रोकना है, बुलेट ट्रेन लॉन्च करना है और अब्राहम संधि के दायरे में अधिक से अधिक अरब देशों को शामिल करना है। ये अब्राहम संधि की बात कर दूं, यहाँ पे एक ऐसी संधि है जिसमें अरबियन देशों के विकास की बात की गई है, ये उन्हीं से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सेना ने हाल ही में कहां पहली बार 3D प्रिंटिंग हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? 3D प्रिंटिंग हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन जो किया गया है, इसके ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो इसके एक्सप्रेशन मैं आपको बता दूं, भारतीय सेना ने अहमदाबाद छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटिंग आवास इकाई का उद्घाटन किया है। यानी इसका सही उत्तर है गुजरात में। रक्षा मंत्रालय ने 3D प्रिंटिंग तकनीकी जटिल सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इकाई का उपयोग करती है जो कि एक डिजाइन मॉडल में कई चरणों के माध्यम से संरचना बनाने में मदद करती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया गया है? जो G20 कार्य का विज्ञान का सचिवालय बनाया गया है उसके ऑप्शंस है ISC बेंगलोर, SC कोलकाता, SC पुणे और SC भोपाल। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर विज्ञान 20S20 के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा जो कि G20 के हिस्से के रूप में स्थापित एक कार्यकारी समूह है जिसकी अध्यक्षता 2023 में भारत करेगा। 2023 में G20 की थीम नवोन्मेषी और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण जो थीम का प्रश्न आता है, अक्सर आता है, नवोन्मेषी और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान। हमारा अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति जो दी गई है, इसके ऑप्शन है भूटान, नेपाल, इजराइल और श्रीलंका। तो इसके सही ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन है, भारत ने नेपाल के विद्युतीकरण प्राधिकरण NE के 2 और जल विद्युत परियोजनाओं से अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है। भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भारतीय ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धा दरों पर 2 जल विद्युत परियोजनाओं 25 मेगावाट कोवेली B1 और 20 मेगावाट लोअर अधिशेष बिजली की बिक्री को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 10 जल विद्युत परियोजनाओं से भारत को लगभग 452.6 मेगावाट अधिशेष बिजली निर्यात किया जा सकता है। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए
366.19 करोड़ रुपए का योगदान की मंजूरी दी है, यानी 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन उड़ीसा, नागालैंड, मिजोरम और गोवा। तो उड़ीसा की कैबिनेट ने, राज्य ने महिलाओं के आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए 367.19 करोड़ की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 2022-23 से 2026-27 तक राज्य क्षेत्र योजना में कृषि महिलाओं का सशक्तिकरण और महिला HSC के उद्घाटन उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये राशि प्रदान की है, यानी कि सशक्तिकरण और महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राशि अनुमोदित की गई है। किस मंत्रालय ने हाल ही में खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है? तो खान जो होता है, माइन की बात करते हैं, जैसे कोयले की खान और अन्य खाने होती हैं, तो यहाँ पे कोयला मंत्रालय ने भंडारों को समाप्त, कोयले के भंडारों को समाप्ति के बाद इको पार्क विकसित करने को बढ़ावा देने का फैसला किया। यानी जो जहां पर कोयले की खाने होती है, जहां से कोयला निकाला जाता है, वहां पे उनको बालू भरने के लिए कहा जाता है, वह जगह बिल्कुल खराब सी हो जाती है, तो इसलिए उनको उस क्षेत्र को इको फार्म डेवलप करने की बात की गई है। देश के विभिन्न हिस्सों में 8 इको पार्क बनाए गए हैं और ऐसे 2 और पार्क अगले साल मतलब 2023 तक पूरे हो जाएंगे, यानी कि लगभग कुल 10 पार्क हो जाएंगे। 8 बन चुके हैं और 8 बनेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।